माना जा सकता है जो सीधा जनता के बीच संवाद और उन चीजों को लेकर के प्रशांत जी जो बातें दबी कुचली जबानों से कही जाती रही हैं और हम उनको खबरों के जरिए जनता तक पहुंचाते रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस खत को लेकर के, राहुल गांधी के इस खत को लेकर के? मजमून आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां ओपनली सब कुछ उन्होंने लिखा है। राजीव जी, मौसम बदल रहा है और ये खत के अलावा दो और बड़ी घटनाएं हुई हैं जिस पे हम अभी बात करेंगे। राहुल गांधी के इस खत में तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मुझे दिखाई दी हैं। एक तो बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो कॉन्फिडेंस लेवल है कि आत्मविश्वास दिखाई दिया है उस चिट्ठी में। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिखा हुआ चिट्ठी नहीं है। राहुल ने देश की जनता को फर्स्ट पर्सन में एड्रेस किया है, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, आई शब्द का इस्तेमाल किया है और आखिरी पैराग्राफ में उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया है। दूसरी बड़ी बात इसमें राहुल जी, राजीव जी की बहुत स्पेसिफिक्स में बात की है, यानी 500 रुपए गैस सिलेंडर तक के स्पेसिफिक में बात की है। बिल्कुल। और बहुत मैं कहूंगा कि नफरत को लेकर जो उनका चिट्ठी का लबालबाव है, वो नफरत को बहुत फोकस किया गया है और ये नफरत की पॉलिटिक्स ही 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रही है। अब दो बड़ी घटनाएं और हुई हैं। एक ह्यूमन राइट वॉच की अमेरिका से रिपोर्ट आई है जिसमें एक बार फिर भारत को चीन और दूसरे देशों के साथ रखा गया है और भारत उसमें अकेला देश है जो लोकतांत्रिक देश है। वो रिपोर्ट यहां तक नहीं जाती, वो कह रही है कि स्टेट इंस्ट्रूमेंट ह्यूमन राइट को सप्रेशन में और हेट की पॉलिटिक्स में स्टेट इंस्ट्रूमेंट शामिल है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भी इंगित किया गया है। तो ये बड़ी बात क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि अमेरिका के उप विदेश मंत्री डोनाल्ड लू भारत यात्रा पे हैं और डोनाल्ड लू सितंबर में भी आए थे। मैं इस बात की चर्चा आपके शो में पहले भी कर चुका हूं कि डोनाल्ड लू साउथ एशिया को देखते हैं, बाइडेन के करीबी हैं, उनके ट्रस्टेड अफसर हैं और आज भारत में वो कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सिविल सोसाइटी के लोगों से मिले हैं और लंबी बात हुई है, बहुत डिटेल में उन्होंने नोट्स लिए हैं। तो और ह्यूमन राइट वॉच में तमाम वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को ये की आलोचना की गई है कि वो ट्रेड और बाकी जो सिक्योरिटी के रिलेशंस हैं वो कैसे उनको ह्यूमन राइट से लिंक। तो ये जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं नफरत की और जो बाकी दुनिया में बात हो रही है, जो डोनाल्ड लू यहां पे आकर बात कर रहा है, पूरी दुनिया में वो संदेश जा रहा है। देखिएगा कि कोई, मैं हफ्तों की बात नहीं कर रहा हूं, आगे आने वाले कुछ दिनों में इस ये डोनाल्ड लू की यात्रा का असर आपको दिखाई देगा। तो बड़ा सिंपल सा एक पोलराइजेशन दिखाई दे रहा है। एक तरफ तन भागवत ने यह तय कर दिया कि वो नफरत के आधार पर ही चुनाव में जाएंगे, वो कोई मतलब ये तय हो गया है कि बीजेपी के अपने 9 साल के अब तक के और जब चुनाव होगा 10 साल, कोई इकोनॉमिक या रोजगार विदेश नीति की किसी उपलब्धि में वो चुनाव में नहीं जाने वाले, वो वही मुद्दे होंगे जो मोहन भागवत ने बोल दिए। संविधान पे हमले हो रहे हैं और ह्यूमन राइट को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है वो मोदी सरकार, मैं भारत नहीं कहूंगा, मोदी सरकार निशाने पर है और उसमें ये चिट्ठी का आना और चिट्ठी में लगातार ह्यूमन राइट की बात करना, ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा, ये राजनीति का सेंट्रल जो पॉइंट है वो बनेगा।
दूसरी बात, जो राहुल गांधी ने तमाम वादे किए हैं, उन वादों की क्रेडिबिलिटी यह है कि आज ही पहली कैबिनेट मीटिंग में हिमाचल ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी द्वार। बिल्कुल, जो प्रोफेसर स्वामी ने कहा कि जिस तरीके से सीबीआई की रेड डाली गई वित्त पूर्व वित्त मंत्री पे, किस तरीके से पूर्व सेना के जनरल को ट्रोल किया गया बीजेपी के नेताओं की तरफ से, ये सब बहुत खराब मैसेज जा रहा है। तो दोनों तरीके का ध्रुवीकरण, नफरत बनाम संविधान पे हमले का जो ध्रुवीकरण है वो बनेगा इस चुनाव में, और आप देखिएगा कि धीमे धीमे यहाँ से ये चीजें जो है साफ होती नजर आएंगी। एक और आखिरी बात मैं कहूँगा कि बहुत इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही है कि निराशा से आशा की तरफ। जी, मैं देश के तमाम हिस्सों में जाता हूँ और कल भी बाहर कहीं जा रहा हूँ, महाराष्ट्र में जा रहा हूँ, धनंजय जी से मुलाकात होगी, लेकिन पूरे देश में आप देखिए युवा वर्ग में जबरदस्त निराशा का माहौल है। बिल्कुल, और वो निराशा की वजह से लोगों को ये लगने लगा है अब कि ये नफरत, मारपीट, ट्रोलिंग, इन सब से हमारी जो भविष्य है वो खतरे में है। बोल दो पहली प्लेट। तो राहुल गांधी की चिट्ठी रेजोनेट करेगी लोगों को, पॉलिसी मेकर्स को, जो हिंदुस्तान का ब्रेन है, जो समय समय पर राहुल गांधी के साथ वॉक कर रहा है, जिन लोगों ने राहुल गांधी के साथ जो है यात्रा में शामिल हुए हैं उनको छोड़ दीजिए, उनको गिनिए, सॉरी, कि वो कौन लोग हैं। वो देश के बड़े बुद्धिजीवी, सारे के सारे बुद्धिजीवी एक एक करके कहीं ना कहीं वॉक कर चुके हैं। तो एक जनमत तैयार हो रहा है और बहुत मजबूत जनमत तैयार हो रहा है। राजीव जी, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पूर्व वित्त सचिव डॉक्टर अरविंद मायाराम और जनरल दीपक कपूर, जनरल दीपक कपूर को ट्रोल किया गया और डॉक्टर अरविंद मायाराम के यहाँ सीबीआई के छापे, एफआईआर, ये सब आप सुन चुके हैं। तो जो लोग राहुल गांधी के साथ पदयात्रा कर चुके हैं या कर रहे हैं वो ट्रोल हो रहे हैं या वो परेशान हो रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ढांढस बंधाते हुए और न सिर्फ लोगों में एक ताकत झोंकने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि अब तो उन्होंने शायद अपने पॉलिटिकल करियर का पहला खत, या कहें तो देश के नाम ये उनका अभी तक का पहला खत है जो ओपनली लिखा है उन्होंने, उसका पहला जो पार्ट है जो आप लोगों के पहले जब शुरुआत में कर रहा था कार्यक्रम का उसमें रखा भी था, फिर से मैं चाहता हूं कि उसको लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर और समझने की